दीपोत्सव पर्व पर जहां बर्तन और सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, तो वहीं कुछ खास पौधों की भी विशेष खरीदारी हो रही है। जी हां, दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ कुछ ऐसे भी उपाय करते हैं जिनसे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न हो। ऐसे में वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों के बारे में बताया है जिन्हें घर में लाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन इन पौधों को लगाने से मां लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद देती है। ज्योतिष आचार्य पंडित विष्णु दाधीच ने बताया कि दीपावली की पूजा में ब्रह्म कमल पौधे की पूजा करने से घर में ऐश्वर्य सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। इसको घर के केंद्र ब्रह्म स्थान में लगाना चाहिए। लक्ष्मी कमल पौधे को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पौधे की दीपावली पर पूजा अर्चना करते हैं तब घर के अंदर जीवन में लक्ष्मी की अपार कृपा होती है और यह पौधा लक्ष्मी को आकर्षित करता है। आजकल ये सोना चांदी जो लोग खरीदते हैं दीपावली पर, और आजकल पेड़ पौधा भी है जो लक्ष्मी कमल है, कुबेर राक्षी है, ब्रह्म कमल है, मोर पंखी है, ऐसे पौधे दीपावली पर अक्सर बिकते हैं। इनकी डिमांड अधिक रहती है दीपावली पर, और ये आंध्रा पूना और देहरादून इधर से पौधे मान्यता तो ये घर में शुभ रहते हैं। जैसे लोग सोना चांदी लाते हैं, इसी तरह से पेड़ पौधे भी अच्छे रहते हैं दीपावली।